प्रियंका चोपड़ा सभी के दिलों में राज करती हैं। फिर वो बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, वो अपने अलग अंदाज से लोगों के दिलों में जगह बना ही लेती हैं। प्रियंका चोपड़ा के टीवी शो क्वांटिको को लोगों ने काफी पसंद किया है। यही वजह है आज बॉलीवुड की देसी गर्ल हॉलीवुड में भी धमाल कर रही है। प्रियंका चोपड़ा को 43वें पीपल्स चॉइस अवार्ड्स में फेवरेट ड्रामेटिक टीवी एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। हॉलीवुड एक्ट्रेस वॉयला डेविस, कैरी वॉशिंगटन, एलन पोम्पियो और तारा जी पी हेंसन को पीछे छोड़ते हुए प्रियंका ने ये अवार्ड अपने नाम कर लिया है। एज यू नो, प्रियंका अपनी माँ मधु चोपड़ा के कितने करीब हैं और इस खास मौके पर भी प्रियंका की माँ उन्हें सपोर्ट करती नजर आई। ये पहली बार नहीं है जब प्रियंका को पीपल्स चॉइस अवार्ड मिला है। इससे पहले भी प्रियंका ने अपने टैलेंट की वजह से 2016 में क्वांटिको के लिए फेवरेट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता था। प्रियंका ने अवार्ड लेने के बाद अपनी जर्नी के बारे में बताया। यही नहीं, प्रियंका का कहना है उनका टेलीविजन को ज्वाइन करने में उनके साथ नॉमिनेट हुई हर एक्ट्रेस का कंट्रीब्यूशन रहा है। प्रियंका ने अवार्ड लेने के बाद अपने को स्टार्स और नॉमिनेट हुई दूसरी एक्ट्रेसेस और अपने फैंस को भी थैंक्स किया। बता दे, प्रियंका की हॉलीवुड फिल्म बेवॉच 26 मई को रिलीज होने वाली है। फिल्म में वो मेन विलन विक्टोरिया लीड्स की भूमिका निभा रही हैं। हॉलीवुड के साथ साथ प्रियंका चोपड़ा इस साल दो बॉलीवुड फिल्में भी साइन करने वाली हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।